हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। मेरे तरफ से आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जब मैं छोटा था तो मेरे को होली खेलने का बहुत शौक था, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो होली खेलने का उतना मन सा होता नहीं है। तो मेरे को कोई रंग ना लगा दे, इस कारण से मैं घर से ही निकल रहा। 2 दिन हो गया है, मैं होली कल थी, आज होली का दूसरा दिन है। शायद ये वीडियो होली के 4 या 5 दिन के बाद आए। घर पे हूँ मैं, शॉप भी नहीं गया मैं आज सुबह से। मैंने सोचा कि वहाँ पे कोई ना कोई नाटक करेगा, और किसको मना कर दोगे आप रंग लगाने से। अब मैं रूम पे आया था कि मैंने सोचा कि कोई किसी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, लेकिन मेरे को आज कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। तो दिमाग काम कर नहीं रहा था, मैंने कुछ खाया भी नहीं सुबह से। अभी दोपहर के 12 बज गए हैं, तो मैंने सोचा ब्लॉग ही बना लेते हैं आज। यदि आपको किसी फिटनेस से रिलेटेड कोई किसी टॉपिक में आपको वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किस टॉपिक में आपको फिटनेस वीडियो चाहिए। क्योंकि YouTube में यार बहुत सारे वीडियोस हैं, तो समझ में नहीं आता कि क्या टॉपिक में वीडियो बनाएं, क्योंकि सारा कुछ तो आंसर कर चुके हैं लोग। वही कोशिश कर रहा हूँ कि कोई ऐसा टॉपिक हो जिसपे वीडियो बनाना चाहिए, जिसका आंसर हो सकता है किसी ने अच्छे से एक्सप्लेन ना किया हो, या फिर उसका थोड़ा सा कन्वर्ट करके मेरे स्टाइल में, मेरे तरीके से उसको एक्सप्लेन करूँ अपने वीडियो से। वही सोच रहा हूँ। तो आज तो खैर मैं शूट नहीं करूँगा, इतना तो कन्फर्म हो गया। अच्छा, मज़े की बात ये है कि इस बार होली में किसी के ज़्यादा मैसेज भी नहीं आए मेरे पास व्हाट्सएप में। नहीं तो हर त्यौहार में मैसेज इतने सारे आ जाते हैं कि पढ़ना मुश्किल हो जाता है। पता नहीं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है शायद, सब लोग होली खेलने में व्यस्त हैं। या ये भी हो सकता है कि उनको यही नहीं पता हो कि होली है, ये भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि भांग पी के कहीं पड़े हों, कुछ भी हो सकता है होने को। तो पता नहीं, मेरे साथ ही ऐसा होता है या फिर आप लोग के साथ भी ऐसा होता है। जब भी कोई त्यौहार आता है, ये त्यौहार बड़ा एकदम बोरियत सा लगता है। इस त्यौहार में टाइम पास नहीं होता बिल्कुल भी। हालांकि मैं तो अपने काम निकाल लेता हूँ, लेकिन काम सारे काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि टाइम बच गया है और क्या करना चाहिए, टाइम पास नहीं होता। मैंने अपने कंप्यूटर से सारे गेम भी इरेज कर दिए, नहीं तो मैं गेम ही खेलता कम से कम। देखता हूँ कोई गेम मेरी पसंद आएगा तो इंस्टॉल करता हूँ। एक्चुअली क्या, ये वीडियोस वगैरह बनाने के कारण क्या है, रैम भर जाती है जब कोई भी गेम वगैरह यदि इंस्टॉल कर लेते हैं, तो स्पेस बहुत लगती है रैम की। इस कारण से मैं सारे गेम डेस्कटॉप से हटा देता हूँ। अभी मेरे पास फार क्राई 6 था, अब वो 94 GB का गेम था, उस कारण से बहुत ज़्यादा भर गया था, स्पेस नहीं था। फोटो वगैरह एडिट करने में दिक्कत हो रही थी, रैम एकदम खाली नहीं थी। दोपहर के 12 बजे हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है आउट साइड का पूरा माहौल देख के जैसे रात के 12 बजे हों। एक भी इंसान नहीं दिख रहा रोड पे, पूरा खाली है। बस यहाँ मैं हूँ, आप हैं, कौनों कुत्ता भी नहीं दिख रहा। तो दोपहर के बज गए 2, और जस्ट मैं नीचे से आया अभी अपना एक मील ख़त्म करके। 100 ग्राम मैंने मूँगफली खाया। तो आज है चेस्ट, और चेस्ट के साथ मैं लगाऊंगा एब्स, जिम में मिलते हैं। तो फाइनली मैं जिम आ गया। अभी बीच में जब मैं जबलपुर गया था तो 7-8 दिन का जो वर्कआउट का जो गैप हुआ था और जो प्रोटीन इंटेक मेरा कम हुआ था, तो स्ट्रेंथ की तो पूरी वाट लग गई है। तो आज चेस्ट में जबलपुर से आने के बाद मैं सेकेंड या थर्ड टाइम मैं कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि कितने आते हैं, वार्म अप करते हैं 2 सेट के और 4 सेट प्रॉपर मारते हैं, देखते हैं कितने आते हैं। कोशिश करेंगे कि 8 से 9 के आसपास तो आएँ अपने 85 kg में। बाकी पता नहीं सही से लगेगा कि नहीं लगेगा, स्ट्रेंथ की पूरी वाट लग गई। क्योंकि क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो कैसा खाना मिल रहा है कोई गारंटी नहीं रहती, घर का ही खाना ज़्यादातर मिलता है। और काम के चलते आप लोग अपने प्रोटीन इंटेक को ज़्यादा कर नहीं पाते, उसके तरफ वह ज़्यादा ध्यान दे नहीं पाते, ये सारी प्रॉब्लम है। तो पहला सेट लगाते हैं बेंच प्रेस, देखते हैं कितने रह पाते हैं।
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? बार बार बज गए, पता नहीं कितने आए, 7 आए या 8 आए. मैंने सोचा एक आधा और रैप लग जाएगा, लेकिन साला वो ऊपर उठा नहीं, लिफ्ट ही नहीं हुआ, फंस गया. बाल बाल बच गए और म्यूज़िक भी इतना लाउड था कि मैं चिल्लाता भी कितना भी कोई आता नहीं नीचे से बचाने के लिए. वो तो ऐसा है कि मैंने कुछ लगाया नहीं, कोई क्लिप वगैरह मैं सपोर्ट में लगाता नहीं उसमें रॉड में, तो वेट को एक तरफ से गिरा के काम हो गया. वो मेरा कैमरा भी साइड में रखा था, अच्छों की प्लेट इस पर भी नहीं गिरी, ये तो कैमरा भी चले जाता मेरा आज. बहुत बचे, खैर कोई बात नहीं, पहला सेट हो गया, सेकंड सेट लगाते हैं. अब इसमें तो पता नहीं कितना गया, मैं देखा नहीं वीडियो, 7 या 8 गए, देखते हैं कितने जाते हैं. अब जो भी जाएँ कोशिश करूँगा कि एक कम ही मारूँ, क्योंकि अब फिर से मैं रिस्क नहीं ले सकता. पहले भी हो चुका है, आज भी हो गया, चाहता नहीं लेकिन हो गया. खैर कोई बात नहीं, सेकंड सेट लगाते हैं. तो एक प्रॉब्लम हो गई, जैसे ही मैं सेकंड सेट के लिए लिफ्ट करने के लिए गया, मेरा बहुत ज़ोर से प्रेशर आ गया. पता एम्बैरेसिंग है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नेचर कॉल है. अब इस चक्कर में मेरा बहुत टाइम चला गया है यार, 5 मिनट रेस्ट भी कर लिया था, 10 मिनट इसमें चला गया, 15 मिनट में इतना वेट ना लिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि गैप बहुत हो गया. आप में से शायद बहुत लोग का पता होगा ये चीज़ कि यदि एक बार हम कोई वेट को लिफ्ट कर लेते हैं और उसके बाद यदि हम 15 से 20 मिनट का यदि गैप कर देते हैं, वो वेट फिर वैसा लिफ्ट नहीं होता. वो चाहे कितना भी अच्छे से लिफ्ट हो रहा हो, आप गैप करने के बाद वो वेट फिर लिफ्ट नहीं होता. तो मैं इससे हटाऊँगा करीबन 30 किलो कम करके देखते हैं. जितने भी रैप जाएँ वहाँ से पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया यार, जहाँ से पहला सेट लगा था वहाँ से पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया. खैर वेट कम करके हाई रैप में मारते हैं, क्योंकि आज का दिन ख़राब नहीं करना चाह रहा मुझे इस चीज़ का. करते हैं जैसा सोचा था वैसा ही हुआ. 30 किलो वेट कम करने के बाद, उसके बाद भी 30 किलो नहीं, एक्चुअली मैंने 20 किलो कम किया था. उसके बाद भी इतना हार्ड लग रहा था करने में, बहुत हार्ड लग रहा था. यही होता है यदि अच्छा लिफ्ट करते करते आप यदि हैवी लिफ्ट कर रहे हैं और उसके बाद आपको यदि 15-20 मिनट का यदि गैप मिल गया ना, बहुत दिक्कत होती, फिर लिफ्ट नहीं होता वो वेट. आप चाहे कितने ही बार उसको लिफ्ट किए हों बट नहीं होता. वेट कम करने के बाद ही वो लिफ्ट नहीं हो रहा था मेरे से, है ना. मूड ना बिल्कुल ख़राब हो गया आज, पता है. बहुत अच्छा मूड था, खाली दिन था, कुछ काम नहीं था, अच्छे से ट्रेनिंग करने का मन था, लेकिन सब मूड की वाट लग गई. खैर 3 सेट इंक्लाइन डंबल प्रेस मारते हैं, जितना ही वेट है मेरे पास उसी से, उसके बाद फिर 3 सेट फ्लाई लगाएंगे. एब्स मारने का बिल्कुल मन नहीं है, फिर भी देखते हैं, मन होगा तो कर लेंगे, बाकी तो मूड नहीं है. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking
fucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more, speak out. It's about to head south. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take? मौसम बहुत खतरनाक बना हुआ है, लाइट भी गोल हो गई है। तो आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।